धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं और मुझे गर्व हो रहा है कि वायुयान विधेयक का नाम अब भारतीय वायुयान विधेयक होगा। ये बात अलग है कि टीएमसी के हमारे वरिष्ठ सांसद स्वागत दादा को इस भारतीय शब्द जोड़ा गया, उनको आपत्ति है, हमें तो गर्व हो रहा है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अभी तक देश के अंदर ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें उन्होंने रिफॉर्म न किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश भारत और विमानन क्षेत्र में इतनी असीम संभावनाएं हैं और हमारे देश में अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ कानून 1934 का 90 साल पुराना वो चल रहा था। महोदय, इसमें 1934 के इस वायुयान अधिनियम में 20 धाराएं थी जबकि 21 बार उसमें संशोधन हो चुका था। अंतिम संशोधन 2020 में हुआ था और ये गुलामी की सबसे बड़ी निशानी थी। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे सभी अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून थे जो आज अनुपयोगी हैं उनको सबको उन्होंने ख़त्म किया है। आज सवेरे वक्फ का जो विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें भी 1923 का कानून था और उसको भी बदलने का और संशोधन करने का प्रयास हो रहा है। ये गुलामी की निशानी को हटाने के लिए पंच प्रण या पांच संकल्प मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वदेशी वायुयान विधेयक 2024 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने संसद में नया कानून बनाने के लिए प्रस्तुत किया है। यह अत्यंत सराहनीय कदम है। इस विधेयक में वायुयान के डिजाइन, विनिर्माण, अनुरक्षण, अधिकार, उपयोग, परिचालन, बिक्री, निर्यात एवं आयात के विनियमन और नियंत्रण जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रावधानों को भी प्रभावी बनाने के लिए संशोधन लाया गया है। अब प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन, शिकागो कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के 1944 कन्वेंशन के प्रावधानों को भी प्रभावी बनाया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के मानक और अनुशंसित अभ्यास SARP को लागू करना है जिसका उद्देश्य ICAO को और FAA को हालिया ऑडिट सिफारिशों के अनुसार बेहतर सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जा सके। इस अधिनियम के खंड 2 में मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के समर्थन हेतु वायुयान और संबंधित उपकरणों के डिजाइन, विनिर्माण और अनुरक्षण के लिए सक्षम प्रावधान किए गए। नागर विमानन महानिदेशक अध्याय 2, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अध्याय 3 और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो अध्याय क्रमांक 4 को सांविधिक प्राधिकरण के रूप में मंजूरी प्रदान की जाएगी। खंड 10 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाएगी। खंड 10 और 11 केंद्र सरकार को रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर जो प्रतिबंधित था अब प्रमाण पत्र और लाइसेंस जारी करने को विनियमित करने का अधिकार इस संशोधन में दिया जाएगा। वर्तमान में दूरसंचार एवं DGCA द्वारा जो अलग अलग मंत्रालयों को शामिल करते हुए जारी किया जाता है अब उक्त लाइसेंसों को जारी करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। खंड 15 और 19 केंद्र सरकार को लाइसेंस प्रमाण पत्र और अनुमोदन को प्रतिबंधित करने, विलंबित करने, रद्द करने की शक्ति भी प्रदान होगी। खंड 21 में अधिनियम प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सामुदायिक प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रयोजित की जाएंगी। खंड 15 में केंद्र सरकार को जन सुरक्षा शांति के लिए आपात स्थिति में आदेश जारी करने का अधिकार होगा। खंड 33 में न्याय सार्गिक अपील के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। खंड 42 में सरकार को अधिनियम की शुरुआत की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आदेश और अधिनियम करने का इसमें प्रावधान किया जा रहा है। खंड 43 में वायुयान अधिनियम 1934 का निरसन करने तथा उक्त नियम के तहत किए गए कारों के संरक्षण का कार्य करेगा। वायुयान विधेयक 2024 में कुल 44 क्लाज है। नए बिल
ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को अधिकार दिए हैं इस विभाग को देश में एविएशन एनवायरनमेंट की सुरक्षा पर अधिक अधिकार प्राप्त करेंगे। इस विधेयक को पहले गृह विभाग में, रक्षा विभाग में, विदेश मंत्रालय में, दूरसंचार में, विधि एवं कानून मंत्रालय में और वाणिज्य और मंत्रालय में परामर्श के लिए भेजा गया था। उक्त विधेयक को अध्यायवार तथा धारावार बनाए गए प्रावधानों के साथ अधिक सुनियोजित और व्यवस्थित किया गया है। केंद्र सरकार DGCA, BCAS तथा AAIB की शक्तियों का अलग अलग अध्यायों पर 5, 2, 3 एवं 4 में प्रावधान किया है। केंद्र सरकार को लाइसेंस, प्रमाण पत्र और अनुमोदन को प्रतिबंधित, निलंबित अथवा रद्द करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 10 सितंबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण होने पर गठित पांडे समिति की रिपोर्ट के बाद नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना हुई थी। फिर 1985 में कनिष्का के हादसे के बाद नागर सुरक्षा ब्यूरो को नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। महोदय, आज हमारे देश में कुल 2014 के पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 2022 में 147 हो गए। 2024-25 में हमारी सरकार ने तय किया है कि 220 हवाई अड्डे तैयार करके लोगों की सुविधाओं के लिए दिए जाएंगे। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सभापति महोदय, 2022 में 123.2 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की घरेलू उड़ान सेवाओं में, और विदेशी जो यात्रा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में हुई थी वो 43.4 मिलियन है। 1 अगस्त 2024 को मैंने एक प्रश्न किया था, उसमें 17 जहाँ से मैं आता हूँ, माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे, देशी हवाई उड़ान सेवा में हमारे 17 को शामिल किया गया। ऐसे जो देश के 100 हवाई अड्डे हैं उनमें से 17 को भी शामिल किया गया, और कहा गया है कि ये अधिपत एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिया के पास है। छोटे हवाई जहाज के परिचालन हेतु रनवे तथा नया एयरपोर्ट तैयार किया गया है। लाइसेंस हेतु DGCA के पास प्रक्रियाधीन है। 17 एक औद्योगिक शहर है, पर्यटन की दृष्टि से भी बड़े बड़े शहरों में लोगों का आना जाना होता है, मंत्रालय ने स्वीकार किया है। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत 19 हवाई पट्टियों के विकास और विस्तार की तैयारी अनुकूल बनाने हेतु 3 चरणों में काम शुरू होगा, ऐसा मंत्रालय कहता है। 17 के प्रथम चरण का काम हो गया है, 19 सीटर हवाई जहाज का परिचालन किया जा सकता है लाइसेंस की प्रतीक्षा में। दूसरे चरण में ATR का परिचालन कब तक में होगा? माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि 17 को रीजनल कनेक्टिविटी में इंदौर, भोपाल और दिल्ली के साथ जोड़ने। 2 मिनट। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश में, फिर भी एक स्पाइस जेट विमान चलता है और दिल्ली के लिए चलता, वो भी अनिश्चय की स्थिति में रहता है। उसे मुंबई, मैंगलोर, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के साथ जोड़ा जाए। जबलपुर से कोलकाता और मुंबई की कनेक्टिविटी थी, अब वह भी बंद पड़ी है। चित्रकूट करबी में हवाई पट्टी बनकर तैयार है, लेकिन परिचालन नहीं हो रहा। जिन एयरपोर्टों को देशी हवाई उड़ान सेवा में शामिल किया गया है, ऐसे एयरपोर्टों को मंत्रालय ने 100-100 करोड़ रुपये देने की बात कही थी, लेकिन अभी उनमें से सतना को मात्र 40 करोड़ रुपये मिले हैं। मैं उनसे मांग करता हूँ कि उसको पूरा और पैसा दें। हमारे रीवा का हवाई अड्डा भी बनकर के तैयार है और उसमें भी परिचालन की जल्दी शुरुआत की जाए। अंत में बस इतना कहूँगा कि आज दुनिया में भारत के अंदर हवाई सेवाओं की जिस तेज गति से वृद्धि हो रही है, उस तरह से जहाज़ों की कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि चूंकि ये बात सही है कि सरकार के पास कोई ऐसे प्लेन नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोगों को ऑफर करें और उनको यहाँ पर देशी हवाई उड़ान सेवाओं में जो शहरों का चयन हुआ है वहाँ से देशी हवाई उड़ान सेवाएं शुरू की जाएँ। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक देशी कनेक्टिविटी शुरू की और एक टाई अप किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि उसको भी भारत सरकार का विमानन मंत्रालय नोटिस मिले और भी जो हमारे एयरपोर्ट बन करके तैयार हो गए हैं उनको उसके साथ जुड़ने का काम करें। मैं इस बिल का पूरा तरह समर्थन करता हूं और राम मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो मंत्री बने और एक अच्छा बिल लेकर के आए हैं। अंग्रेजों के ज़माने के कानून को बदल करके अब भारतीय विमान कानून बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।
माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी।